गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दिस वीडियो इज फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस अबाउट इंग्लिश हिस्ट्री ऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी विल गेट हीयर फ्रॉम दिस वीडियो अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के विषय में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी इसमें

ठीक है तो ओल्ड इंग्लिश इज नोन ऑल्सो एज सेल्टिक इंग्लिश यस ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन वह जाना जाता है एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश के रूप में भी सो एंग्लो इंग्लिश एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश इज इक्वे वेलन टू ओल्ड इंग्लिश दोनों एक ही है सो द आंसर विल बी ट्रू यह सत्य है ओल्ड इंग्लिश वॉज अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज यूएन आई है ये आई यूएन ओल्ड इंग्लिश वॉज अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज क्या इसका एक ही रूप था इस भाषा का ओल्ड इंग्लिश का नो no. यह yeah, कई प्रकार के फॉर्म में था तो so, एक था ही नहीं वेराइटीज के रूप में इसका डेवलपमेंट हो चुका था और तीन uh, कम से कम तीन जगह का प्रभाव इस पर था दो दिस इज नॉट सिंगल सिंगल तो है ही नहीं किसी भी हाल में सो ओल्ड इंग्लिश वॉज अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज दिस इज फॉल्स ये सिंगल नहीं है सिंगल यूनिफॉर्म नहीं है एक रूपता इसमें नहीं है बहुलता है द रटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी द रटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टूडे ट्रू दिस इज करेक्ट आज जो हम लोग देखते हैं उससे डिफरेंट था राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टूडे दिस इज ट्रू देन स्कैंडिवेनियन एस्कैंडिनेवियन एंड द ओल्ड इंग्लिश ये एंड द ओल्ड इंग्लिश वोकैबलरी ऑल्सो अफेक्टेड द ग्रामेटिकल सिस्टम ट्रू एस्कैन डी नवियन इफेक्ट ये एक मूवमेंट बनी मूवमेंट था स्कैन डीन एवियन इफेक्ट था एक घटना थी ये मान लीजिए स्कैन डीन स्कैन डीन एवियन तो स्कैन डिन एवियन इफेक्ट भी इंग्लिश पर बहुत ही पावरफुल रहा है सो स्कैंडिनेवियन एंड द ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी वोकेबलरी ऑल्सो अफेक्टेड द ग्रामेटिकल सिस्टम दिस इज ट्रू करेक्ट क्वेश्चन नंबर फाइव द इरा ऑफ किंग अल्फ्रेड वॉज वेरी बैड फॉर इंग्लिश लिटरेचर नो दिस इज रॉन्ग अल्फ्रेड किंग जो थे किंग अल्फ्रेड उन्होंने अंग्रेजी भाषा के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया बहुत काम किया तो उनके समय में अंग्रेजी भाषा का डेवलपमेंट हुआ सो द इरा ऑफ किंग अल्फ्रेड वॉज वेरी बैड फ्रॉम इंग्लिश फॉर इंग्लिश लिटरेचर नो दिस इज ट्रू तो ये ये फॉल्स नहीं किंग अल्फ्रेड का टाइम बहुत ही हेल्पफुल था इंग्लिश लिटरेचर के लिए सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स द ईयर 1066 AD marks the end of the old english and the beginning of the middle english this is also false ठीक है ये नहीं है A Year द ईयर uh, 1066 10, AD marks the end of the old english नहीं ये आपको है अबाउट 13 सेंचुरी तो ये वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स ये रॉन्ग है तेरह सौ के आसपास में रहता तो ठीक होता तो सो दिस इज फॉल्स मॉडर्न इंग्लिश हैड ईवॉल्व फ्रॉम द वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से ही मॉडर्न इंग्लिश आगे बढ़ा ये फॉल्स एक ही नहीं कई थे ये ईस्ट मिडलैंड भी था कैंट का था तो ये सेक्शन का था इतना सारा मिला करके हुआ है तो एक कोरो उसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है मिडलैंड डायलेक्ट को ही नहीं मानेंगे सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडलैंड इंग्लिश इज चीफली सेकुलर इन नेचर दिस इज फॉल्स बिकॉज दिस वाज नॉट सेकुलर सेकुलर नहीं था द सेकेंड हाफ ऑफ द फोर्टीन सेंचुरी इज नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स सेकेंड हाफ ऑफ द फोर्टीन सेंचुरी चौदहवीं शताब्दी का सेकेंड हाफ जो था ये व्यक्तिगत लेखकों के रूप में फेमस हुआ ये बात ट्रू है बहुत सारे व्यक्तिगत लेखक इसमें हुए जो आ, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए एंड दे वी आर वेरी फेमस सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आफ्टर दैट टेन आपको ये जो बताया जा रहा है जो ए, लाइन जो है क्वेश्चन के रूप में ये सारा याद कर लीजिए आपको इंग्लिश का पूरा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा इतनी जानकारी हो जाएगी कि क्वेश्चन चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आवे या ट्रू फॉल्स के रूप में आवे एक नंबर के रूप में एक एक सेंटेंस में लिखने के लिए आवे यू विल बी एबल टू राइट दैट ये मैटर मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन किसी भी रूप में आएगा ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए ये रहेगा तो आप इसके आधार पर जो Uh, कुछ लंबा क्वेश्चन होता है आप ऊ भी लिख पाने में सक्षम हो पाएंगे सो आई फील दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड फॉर यू इंग्लिश एब्जॉर्ब क्वेश्चन नंबर टेन इंग्लिश एब्जर्ब्ड वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट फिफ्टी डिफरेंट लैंग्वेज दिस इज ट्रू अंग्रेजी लगभग पचास डिफरेंट लैंग्वेज से भाषा ली है तब जाकर के अंग्रेजी भाषा स्ट्रॉन्ग बन पाई है तो इंग्लिश हैड हैड ऑब्जर्वड इसने ग्रहण किया है वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट फिफ्टी डिफरेंट लैंग्वेजेज पचास डिफरेंट लैंग्वेज फिफ्टी डिफरेंट लैंग्वेजेज हैव कंट्रीब्यूटेड अलाउट इन द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज प्योरिस्ट ऑब्जेक्टेड प्योरस्ट मतलब शुद्धतावादी जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम करेक्ट इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो उनको बोलते हैं प्योरिस्ट तो प्योरिस्ट ऑब्जेक्टेड टू द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश प्योरिस्ट लोगों ने दूसरी भाषा से शब्द को अंग्रेजी में स्वीकार करने का विरोध किया था ये बात बिल्कुल सही है ट्रू ट्वेल्व द टू वर्ड्स दैट हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश आर ग्रामर एंड डिक्शनरी इंग्लिश को सामान्य बनाने में सरल बनाने में दो चीज़ों ने बहुत हेल्प किया टू फैक्टर्स वन इज ग्रामर एंड अदर इज डिक्शनरी तो ये किसी भी लैंग्वेज में बात लागू होती है लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन दीज टू थिंग्स वर्ड्स एंड द रूल्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड ग्रामर तो ग्रामर और डिक्शनरी ग्रामर और वर्ड स्टॉक अगर किसी आदमी का सही हो जाए तो नॉट ओनली इंग्लिश बट एनी लैंग्वेज द पर्सन विल बी मास्टर फॉर राइटिंग और स्पीकिंग थर्टीन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जॉनसन पब्लिश ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ये सैमुअल जॉनसन ने एक डिक्शनरी को पब्लिश किया था जो इंग्लिश लैंग्वेज का था इंग्लिश इज अ विंडो टू वर्ल्ड। इंग्लिश के विषय में कहा जाता है कि ये विंडो टू दर्ल्ड वर्ल्ड का विंडो है खिड़की है इंग्लिश इज़ यूज इन चाइना एज फॉरन लैंग्वेज दिस इज़ ऑल्सो ट्रू द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज इंग्लिश ट्रू द वर्ड ड्रामा कम्स फ्राम ए ग्रीक वर्ड ड्रामा क्या है ग्रीक वर्ड है दिस इज ऑल्सो ट्रू द वर्ड ड्रामा मीन्स थिंग डन देखिए ड्रामा का मीनिंग क्या है तो ड्रामा का मीनिंग होता है ये जो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं जानेगा ड्रामा का मीनिंग सीधे हम लोग करते हैं नाटक बट यहाँ थिंग डन ये जो काम डी ओनी है थिंग डन थिंग डन इज द मीनिंग ऑफ ड्रामा काम हो गया उसको बोलते हैं ड्रामा ड्रामा का मीनिंग थिंग डन इन लिटरेचर ठीक है ड्रामा का मीनिंग लिटरेचर में क्या हुआ थिंग डन नाइनटीन ड्रामा ऑफर्स अस ए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स इमेजिनेटिव रियलिटी ये इमेजिनेटिव रियलिटी जो है एक काल्पनिक सत्य काल्पनिक वास्तविकता को रिप्रेजेंट करता है ये ऐसी वास्तविकता होती है जो काल्पनिक होती है लेकिन वो काल्पनिक होती है तब भी वो रियलिटी होती है यह है ड्रामा वो रियलिटी नहीं होगी लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होगा तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता है और पूरा अगर रियलिटी पर लिख देंगे फैक्ट लेकर के तो वो इतिहास की किताब हो जाएगी तो ये ड्रामा क्या है तो इमेजिनेटिव रियलिटी है दिस इज ट्रू इन ए ट्रेजिडी द कन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स इन टू अ कटेस्ट्रोफे कटेस्ट्रोफे मतलब बर्बादी ट्रेजडी मतलब दुखांत दुखांत जो नाटक होता है इन दैट प्लेज इन सच प्लेज इन ट्रेजडी वी गेट इन ए ट्रेजडी वी गेट ए कन्फ्लिक्ट एंड दैट कन्फ्लिक्ट द्वंद रहता है दुविधा रहती है मेन कैरेक्टर के मन में एंड दैट लीड्स अल्टीमेटली टू क्रटे कैटेस्ट्रोफ है और अंत में ऐसी घटना हो जाती है कि हीरो या, या हीरोइन मर जाते हैं तो बर्बादी हो जाती है पाठक का दिल दुखी हो हो जाता है सो ए ट्रेजडी इन ए ट्रेजडी द कन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स टर्मिनेट कहाँ पहुँच जाता है इन ए कैटेस्ट्रोफे और तो कैटेस्ट्रोफे में बदल जाता है वो बर्बादी हो जाती है तो ट्रेजिडी का एंड क्या होता है दुखांत होता है दुख होता है अंत में पढ़ने वाले को दे फील सैड ट्वेंटी वन, तुगलक इज रिटेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर सही करेक्ट रोजिस्टर्ड डुस्टर देखिए रोजिस्टर्ड डुस्टर आर ओ आई एस टी आर डी ओ आई एस टी आर रुजिस्टर्ड डुस्टर क्या है इट इज द नेमा प्ले ये ड्रामा है इज द फर्स्ट रियल कॉमेडीज कॉमेडी मतलब सुखांत ड्रामा दो प्रकार के होते हैं ट्रेजिडी एंड कॉमेडी तो ये कॉमेडी जो था पहला कॉमेडी उसका नाम है रोजिस्टर डुस्टर रुजिस्टर डुस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिए रुजिस्टर्ड डुस्टर क्या है इट इज द फर्स्ट रियल कॉमेडी सही माने में पहला ये वास्तविक कॉमेडी है ट्वेंटी थ्री द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, नाटक कितने प्रकार के हुए ड्रामा दो प्रकार के कॉमेडी एंड ट्रेजिडी तो कॉमेडी पहला वो हो गया रजिस्टर्ड टूस्टर्ड और पहला ट्रेजेडी क्या था फर्स्ट ट्रेजडी दैट वाज गौरबूडोक जी ओ आर बी यू डी यू सी गौरबुडक तो गौरबुटक यही है बाय थॉमस सेविले एंड थॉमस नॉटन, दे हैड रिटर्न दिस प्ले गोरबुडोक ट्रेजडी फर्स्ट ट्रेजडी ये फर्स्ट कॉमेडी दैट इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर शेक्सपियर जितना फेमस नाटककार हैं उनके प्ले में हमें क्या मिलता है प्ले का मतलब नाटक होता है ड्रामा यहाँ खेल मत समझिए प्लेज मतलब ड्रामा इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर शेक्सपियर के नाटक में द मैन ऑक्यूपाइड द सेंट्रल प्लेस फॉर क्रिएशन मनुष्य को ही उन्होंने मेन सेंटर बना दिया किसका क्रिएशन का मनुष्य के लिए ही क्रिएशन होगा मतलब मेन थीम ऑफ राइटिंग विल बी मैन और कुछ नहीं मनुष्य अच्छा है बुरा है बाद की बात है मनुष्य में खूबी भी होती है और खामी भी होती है स्टिल देन मैन इज मैन मनुष्य में कमजोरी है उसमें गलतियां उससे होंगी वो ठीक भी करेगा लेकिन गलती होने से मनुष्य की मनुष्यता समाप्त नहीं हो जाती है सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ विलियम शेक्सपियर शेक्सपियर के नाटक में हमें यही मिलता है कि मैन इज द चीफ कंसर्न मैन ही आदमी इंसान वही राइटिंग का मेन फोकस है उसी पर लिखा जाएगा मनुष्य से नफरत नहीं की जाएगी मनुष्य चाहे जैसा भी हो खराब हो या अच्छा हो वो मनुष्य है उसको स्वीकार करेंगे ठीक है ये है शेक्सपियर का थीम इसी पर शेक्सपियर का पूरा का पूरा, पूरा क्रिएशन है तो टीएस एस एलियट अब टीएस एस एलियट की बात करते हैं टी एस एलियट डिवाइव द वर्स ड्रा, ड्रामा इन द ट्वेंटी सेंचुरी अब देखिए ये टी एस एलियट ने क्या किया इन्होंने रिवाइव किया पुनर्जागरण किया जगाया पुनर् पुनरुद्धार किया रिवाइव किया किसको वर्ष ड्रामा को वर्ष का मतलब पोइटिक ड्रामा नाटक जो पहले लिखा जाता था वो कविता में कविता में जो नाटक लिखते थे लोग उसको बोलते हैं वर्ष ड्रामा जैसे पूरा डायलॉग जो बोला जाएगा वह गीत में ही होगा कविता में ही होगा जैसे तुम्हारा ए, ए, हमारी जवानी भी हमारा बुढ़ापा भी नहीं नहीं हमारी जवानी भी बुढ़ापा और उनका बुढ़ापा भी जवानी है तुम्हारा खून है खून और हमारा खून पानी है तो ये कविता है डायलॉग बोला नाटक में तो कहने का अर्थ ये वर्ष ड्रामा जो था इसको टी एस एलियट ट्वेंटी सेंचुरी में हुए इन्होंने फिर से जागृत किया ये वर्ष ड्रामा पहले लिखा जाता था और बीच में ही समाप्त हो गया तो टी एस एलियट ने क्या किया कि ट्वेंटी सेंचुरी में इसको फिर से उसका उद्धार किया रिवाइव किया इन मोडलाइजिंग इन और इन प्ले इन मोरलिटी मॉडलिटी है डबल एल हो गया है इसमें एम ओ आर ए एल आई टी वाई ये काट दिया जाए ज़रूरत नहीं है तो एम ओ आर ए एल आई टी वाई इन morality ऑफ प्लेज morality प्लेज एक प्ले का टाइप है नाटक को लिखा जाता था जिसको बोलते हैं मॉडलिटी प्लेज तो इन मॉडलिटी प्लेज द वर्चूज ऑफ द करेक्टर्स वेयर पर्सोनिफाइड मनुष्य की जो खूबियाँ होती हैं उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है उन्हीं को उन्हीं को पर्सन बना कर दिखाया जाता है उन्हीं को अलंकृत किया जाता है यहाँ पर्सनिफाइड का मतलब होगा अलंकृत करना उनका मानवीकरण कर दिया जाता है उन्हीं को महत्व दिया जाता है किसमें मोरलिटी प्ले में मोरलिटी प्ले में क्या होता है इन मोरलिटी प्लेज वर्चूज वर्चूज मतलब गुण क्वालिटी क्वालिटीज ऑफ द करेक्टर्स वेयर पर्सोनिफाइड मतलब दे वेयर हाईलाइटेड ये द पर्पस ऑफ द मिराकिल प्ले जैसे ये हुआ मोरालिटी प्ले वैसे ही एक टाइप और होता है वह है मेरेकल प्ले जैसे नाटक का टाइप है तो मेरेकल प्ले वाज डायरेक्टली डायरेक्टिव डायरेक्टिक मतलब शिक्षण करने वाला जैसे किसी को बताते हैं कि बेटा ये करो बेटा वो करो ये गलत है वो नहीं इसको बोलते हैं डायरेक्टिक मतलब किसी को सामने वाले को एकदम बताना कि तुम्हारे लिए यही सही है ये गलत है शिक्षण करना तो ये टीचिंग देना तो मेरेकल प्ले क्या था डायरेक्टली डायरेक्ट वो पूरा एकदम टीचिंग पर आधारित था ए नोवेल इज अ वाइट अब नोवेल के विषय में कुछ है आपको ये ए नोवेल इज अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी नोवेल में क्या होता है वाइटल रिकॉर्ड है नोवेल का डिफिनेशन वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी फील थिंक एंड लर्न लर्न इज अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी फील थिंक एंड लर्न लर्न से नहीं होगा ये लर्न होगा फ्रॉम लाइफ हम लोग जीवन में जो देखते हैं महसूस करते हैं सोचते हैं सीखते हैं देट इज़ कॉल्ड वो रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे तो उसको बोलते हैं नोवेल हो गया वो तो नॉवेल इज एज ए वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी फील थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ दिस इज़ ट्रू ऑल ऑल ट्रूल दे आर फॉल्स फॉल्स तो इसमें है ही नहीं फर्स् शुरू में दो चार था उसके अलावा सभी ट्रू है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपको रट्टा मार के याद कर जाना चाहिए आप इसको याद कर गए तो समझिए कि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की तैयारी आपकी हो गई इसी में से क्वेश्चन आएंगे इधर उधर से इसके आधार पर आपका सारा आंसर हो जाने वाला है तो आप इसको प्लीज कीजिए ए नोवेल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ नोवेल क्या है तो एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है जीवन की अभिव्यक्ति है थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज नोवेल के विषय में ये भी कहा जाता है कि भाषा के द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है नोवेल, उपन्यास नोवेल ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ नोवेल क्या है सीधे जीवन से निकलता है उसमें कोई तामझाम नहीं है कोई झाँप तोप नहीं है कोई झूठ नहीं है उसमें कोई अपने मन से माइनस प्लस करके नहीं लिख देना है आपको वो एकदम रेलिवेंट होगा लाइफ के विषय में लाइफ में जो कुछ भी है सुख दुख राइट रॉन्ग एवरीथिंग विल बी मैंसन इन द नोवेल नोवेल में कुछ झूठ नहीं लिखना है उसको कोई आइडियलिस्टिक बना के ही नहीं लिखना है दैट विल बी श्योरली रियलिस्टिक जो भी लाइफ में होता है एवरी थिंग विल बी इन नोवेल जेन ऑस्टिन जेन ऑस्टिन है ये इन्फ्यूज गुड सेंस एंड बैलेंस जेन अस्टिन का रोल रोल क्या है नोबेल के फील्ड में इन्होंने इन्फ्यूज किया उसमें शामिल किया किसमें नोबेल में गुड सेंस सेंस और बैलेंस संतुलन और सेंस बैलेंस एंड सेंस दिमाग बुद्धि की बात संतुलन और बुद्धि को उसमें शामिल किया किसमें नोबेल में इन्फ्यूज किया उसमें शामिल किया डिकेंस हाइड डिकेंस में क्या खूबी थी चार्ल्स डिकेंस वॉज ऑल्सो ए नोवलिस्ट तो ये डिकेंस वाज नोन फॉर नायक इनमें एक क्वालिटी थी मिक्सचर था इनमें क्या था इनका काम था कि इन्होंने जो किया नायक, इन्होंने जो जो कंट्रीब्यूशन दिया वो कंबाइनिंग ह्यूमर विथ पैथॉस उन्होंने ह्यूमर को हास्य को करुणा से जोड़ दिया हास्य और करुणा ये दो क्वालिटी मिलती है डिकेंस के राइटिंग में तो डिकेंस का कंट्रीब्यूशन ये है कि का कि भाई इन्होंने ह्यूमर और पैथस को ऐड किया नोवेल में सो so, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप इसको देखें सुने थैंक यू फॉर हैव एन आइस डे।